तो मैं जो ये घी का वेस्ट होता है ना, इसको फेंकती नहीं हूँ। तो बहुत दिनों से वार्म अप वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, ना योगा करा है। मैं खाने देती हूँ। किशमिश, काजू, बादाम, घी का मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब कुछ फाइन होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9 एंड तन्वी और अमित जा चुके हैं स्कूल एंड ऑफिस में। अपना काम निपटाती हूँ, मेरा काम निपट चुका है, बस ब्रेकफास्ट चाहिए। अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अभी मैंने बत्ती जलाई एंड अभी ना यहाँ पे देखिए, तो ये ना इसमें क्या होता है कि धूप धूप जैसे मंदिर में बच जाती है ना, धूप धूप हो जाती है या फिर जो दिया जलाते हैं उसकी बत्ती हो गई, अगरबत्ती के डिब्बे डिब्बे हो गए या धूप बत्ती के डिब्बे पे, तो उनको ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से जला देती हूँ। और फिर जब वो मिट्टी बन जाती है तो खेत में डाल देती, मतलब अपने पौधों में डाल देती हूँ। अब कूड़े में तो फेंकने का मन नहीं करता इन चीज़ों को, और नदी नालों में हम जाते नहीं हैं, तो इसलिए ये बेस्ट वो रहता है। ऐसे जलाओ और फिर जब राख बन जाए तो पौधों में डाल दो। अभी चल रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं एंड मैं रेडी हो गई हूँ तन्वी को स्कूल से लाने के लिए। तो अभी तक मैंने क्या कर रही थी बैठे बैठे 1 बजे तक, तो मैं बता देती हूँ। अभी तक मैंने घी बनाया, तो जिसका अभी ये जो मैर होता है ये बच गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। दिन का खाना बनाया, ठीक है, और थोड़ी देर दीदी के साथ गपशप करी। अभी पनीर बनाना रह गया है, तो मैं जो ये घी का वेस्ट होता है ना, इसको फेंकती नहीं हूँ, ऐसे पनीर बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो भी नहीं देखा है ना, तो अभी मैं स्कूल से आने वाली हूँ, जब तन्वी को लेगा तब मैं बताऊँगी आपको कैसे बनाती हूँ। बाकी इस जो मलाई का जो दूध निकलता है उससे पनीर, ठीक है, जो कि खाने में ना इतना टेस्टी होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सेम उसी वाले दूध का बना है कि उस वाले दूध का बना है, मतलब मलाई के दूध का बना है कि ओरिजिनल दूध का बना है, इतना टेस्टी पनीर होता है। बाहर लगी है धूप, तो ये तो रहा मेरा स्कार्फ और तन्वी की कैप। अरे यार दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि पनीर कैसे बनाऊंगी, और मैं खाने के चक्कर में और बनाने के चक्कर में ना मिस कर दिया। तो क्या था, जो दूध था ना उसको जैसे हम पनीर बनाते नॉर्मल दूध से वैसे ही उबाला, और उसमें मैंने थोड़ा सा एक नींबू काट के डाल दिया, ठीक है, और देख सकते हैं इस तरीके से ये फट गया। और अभी मैंने इसे छन्नी में छान रखा है और अच्छी तरीके से निचोड़ दिया। अब मैं इसी में छोड़ दूँगी, ठीक है, ताकि इसका साथ जो पानी है ना वो सब निकल जाए। और यहाँ हमारा लंच भी रेडी है रोज की तरह। तन्नू बताओ क्या बना है? खिचड़ी। तन्नू ऐसा वो बना रही है, आज उसके पेट में वैसे भी दर्द हो रहा है, आपके लिए खिचड़ी बहुत सही है ना तन्वी? तो गाइस शाम के 7 बजने वाले हैं एंड अमित आ चुके हैं ऑफिस से, और आज ना मैं जिम जाने वाली थी। जिम तो मैं कल से जाने वाली थी 1 तारीख से, पर कल आमका बर्थडे तो वहाँ बिजी थी तो नहीं गई। तो फिर मैंने सोचा आज मैं पक्का जाऊँगी, पर सो गई तो फिर नींद ही नहीं खुली शाम को, और अभी जब ये आए ना तब खुली। और ये बोल रहे कि आज सो गई नहीं, तो बोल रही थी जाऊँगी। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, नहीं गई तो नहीं गई। सुबह का टाइम पर जाना सही रहता है, पर सुबह के टाइम में मेरे पास बहुत सारा काम होता है, क्योंकि एक तो पानी आता है, पानी का काम होता है, नहाना धोना ये वो सो ना, सुबह के टाइम पर सही रहता है क्योंकि फ्रेश हो जाता है माइंड, उठ भी जाता है, तो सब कुछ सही रहता है। और अभी क्या होता है, दिन में ना आलस सा आता है, नींद आती है, बट यार जाना तो है, कुछ भी करके जाना है जिम, क्योंकि घर में बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो रहा। और घूमने का हम लोग रोज़ प्लान बनाते हैं, आज घूमने जाएंगे, पर जा ही नहीं पाते। अभी नीतू दीदी से फिर मैंने बोला कि घूमने जाएंगे मॉर्निंग में, पर अब देखो क्या होता है। तो क्या करूँ, अब इस हफ्ता तो अब ये आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे सैटरडे, ये तीन मतलब दो तीन दिन रह गए, या अब नहीं जाती इन दोनों में दिन में। अब मंडे से जाऊँगी मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से पक्का 100%, चाहे कुछ हो जाए मेरे को यहाँ जाना है। अभी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, और अभी क्या है ये टाइम जो होता है ना, पीक टाइम होता है, इसी टाइम पे ज़्यादा ना अपना वेट लॉस कर सकते हैं। फिर वो गेन तो हो जाता है क्योंकि हम ठंड में खा लेते हैं, बट ये होता है कि अभी कंट्रोल हो जाता है ना थोड़ा सा। और मेरे पिछले साल से जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है तब से मेरा उतना वेट नहीं बढ़ा है, मतलब नॉर्मली जितना वो घटा था उतना ही गेन हो जाता है, पर उसके ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल दिन रात की सब्जी की तैयारी चल रही थी, तो मैं सोच रही थी अंडा कड़ी बनाती हूँ, बहुत दिनों के अंडा खाए हुए, चिकन तो हम खाए नहीं रहे घर में वजह से, तो अंडा भी खाए हुए बहुत टाइम हो गया। तो आज मैंने अंडा कड़ी बनाने के लिए कुकर में रख दिया है आलू और अंडे, और मैं छत में चलती हूँ थोड़ी देर और वहाँ करती हूँ थोड़ा वर्कआउट। तो गाइस मैंने सालों साल बाद अपनी मैट निकाल दिया, योगा मैट, जिस पर कभी योगा नहीं करा मैंने। तो गाइस आज जिम तो नहीं गई, फिर मैंने कहा जिम के बदले का घर ही पर करते हैं, ठीक है। तो बहुत दिनों से वार्म अप वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, ना योगा करा है, अब कल से तो करना है भाई, ठीक है, डेली। पहले नॉर्मल चक्रिक चेक करेंगे। तो गाइस रात के 9 बजने वाले हैं,
मेरा खाना तैयार है रात का। ये रही अंडा करी जिसमें नाम मात्र का धनिया दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि धनिया ख़त्म हो चुका था। लाई तो मैं थी बट क्या वो सड़ गड़ के ऐसे गर्मी से ना अजीब सा काला सा हो गया, मैंने फेंक दिया। तो दो तीन पत्तियाँ थी तो वो मैंने डाल दी ऊपर से दिखाने के लिए खाली। और इसमें चावल बनाए हैं तो अंडा करी बना तो मैंने उनसे बोला, मैंने क्या बनाओ रोटी क्या चावल, तो बोल दिया उन्होंने कि सीधे चावल बना करके। और बहुत दिन हो भी गए थे, हमने सोमवार को चावल बनाए थे, सोमवार से हमने चावल नहीं बना रखे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं चावल ही बना देते हैं। एंड तन्वी के लिए अभी दूध गर्म करना है, तन्वी अभी तक स्कूल का काम कर रही थी। हाँ जी बेटा जी, क्या हो गया, क्या चाहिए? तो गाइस मैंने ना दिन में मलाई बनाई थी, तो मलाई का जो मैरमस्ता है ना वो इसको बहुत पसंद है, पर मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये है घी का, और अगर ये खाओगे ना आप तो आपका गला जो सही हो रखा है ना वो जम जाएगा। तन्वी मत खाओ प्लीज बेटा, नहीं रहने दो। जब आपका गला ठीक होगा तो मैं बनाऊंगी ना, ऐसा करते हैं। किसमिस दूं इसके, मतलब किसमिस मखाने 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 देती हूँ, किसमिस काजू बादाम बिस्किट मैर घी का मैर बेटा उस जितनी की दवाई नहीं खाई ना उतनी डबल दवाई खानी पड़ जाएगी। दवाई खा लोगी? ठीक है कड़वी वाली दवाई खिलाती हूँ, पूरी सीसी खा लो, पूरी सीसी खिला दोगे दवाई में। नहीं खाती बेटा, देख अभी गला देख कैसा हो रखा है, ओ देख एक बार बोल के दिखा, ओ ओ नहीं खाते। चल पापा मिठाई करेंगे, चल आजा आ किशमिश देती हूँ तुम मुट्ठी भर के किशमिश। आनी तो क्या थोड़े से लेना, अभी मैंने दिए हैं ऑलरेडी आपको। तन्नू और तन्नू के पापा ने पूरा पैकेट किशमिश खा दिया है यार, है आपने और आपके पापा ने पूरा पैकेट किशमिश खा दिया ना। ज्यादा नहीं बेटा ज्यादा नहीं, दिखाओ मुझे दिखाओ। ओइ तन्नू नहीं, पेट लगता है, देख गिर रहा है, सब डिब्बे में गिर रहा है अंदर, उसे बंद कर, इसमें वापस करो, थोड़ा सा वापस करो तन्नी। तन्नू देख रहे हो दोस्तों पूरा मुट्ठी भर के किशमिश ले रही है, और अभी मैंने उसको ना थोड़ा सा दे थोड़ी देर पहले दिए भी थे। पापा से बोलती हूँ मेरे से डरती नहीं है। गाइस रात के 11 बजने वाले हैं एंड हम लोग अभी सोए नहीं है, हम लोग मीन्स तन्नू और मैं, अमित तो सो गए, तो अभी ना सोते हैं और ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे। एंड मुझे आप ब्लॉग क्लिक करें ताकि बच्चे बैठे।